तू पकड़ ले बंदे ये बहुत ज्यादा डिमांड है तो ये डबल उसमें है ना स्टूल है साइड स्टूल कोई भी स्टूल्स हैं कुछ वॉल हैंगिंग है चेयर्स हैं वो जो भी पेपर चल रहे हैं ये जो भी काम के अगर विलिंग ना होते काम नहीं हो सकता प्लीज एक उनके बारे में जरूर मेंशन कर दें ये ये जब गीता जयंती समारोह कुरुक्षेत्र में हमारे प्रोडक्ट को द्वारा पसंद किया गया काफी तो उसके बाद हमें इंस्पिरेशन मिली कि लोगों की क्या डिमांड है और वो क्या चीज पसंद कर रहे हैं तो उसको देखते हुए हमने कुछ नई चीजें बीच में ऐड करी हैं कारपेंट्री सेक्शन में और रॉट आयरन में तो उसको हम लोगों की पसंद के अनुसार हमने ये सामान मिला है इसमें एक्चुअली क्या है जो भी हमारी कॉस्ट आती है उसके ऊपर हम 10% लेते हैं जो गवर्नमेंट हेड में जमा होता है इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप की चेयर्स हैं स्टूल है डाइनिंग टेबल है साइड टेबल्स है अलग अलग आप लगा लीजिए पॉट्स के स्टैंड्स हैं इसमें ऐसी अलग अलग टोटल हमारे पास 27 से 29 तरह की अलग अलग आइटम्स हैं जो हम इस वक्त सूरजकुंड मेला में भेजेंगे सर मिनिमम क्या रेट है और मैक्सिमम क्या रेट मिनिमम हमारा आंवला कैंडी 100 रुपये से लेके 15,000 तक का हमारा जो डाइनिंग टेबल है वो है सर कितनी मेहनत लगती है तैयार होने मेहनत तो देखिए है ही है इसमें पहले आइडियाज को सिलेक्ट करना हमारा पूरा टीम है जेल की जो आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा कैसे होगा कैसे बनाया जाएगा तो एक टीम वर्क है और हमारे माननीय महानिदेशक कारागार हरियाणा श्री अकील मोहम्मद जी का मार्गदर्शन और उनका सोच की कैदियों से एक अच्छा काम करवाया जाए ताकि वो एक स्किल्ड पर्सन बन के अभी फिलहाल हमारे पास 50 से 60 लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग उनकी ट्रेडिंग है कोई पॉलिश का काम कर रहा है कोई आयरन स्मिथी में काम कर रहा है कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है कोई कारपेंट्री में काम कर रहा है तो सर जो फर्नीचर है इसकी कितनी टोटल फर्नीचर की कितनी कॉस्ट है सूरजकुंड मेले में जो अभी हम टोटल आइटम्स भेज रहे हैं वो हमारी 6,16,000 से ज्यादा की कीमत है उसकी जो गीता जयंती पे आपने लगाया था तो वहाँ कितनी सेल आउट हुई वहाँ लगभग हमारी 1,65,000 के करीब सेल थी जिस तरह सर आप फर्नीचर बना रहे हैं और भी तो क्या भविष्य में सोच सकते हैं कोई आउटलेट बने जिससे आम जो लोकल लोग हैं वो भी इसको परचेज कर सके हाँ बिल्कुल हम उस तरफ प्रयासरत हैं कि जल्दी कुछ ऐसा आउटलेट बन जाए जिससे आम लोग भी देख सके क्योंकि जेलों के बारे में लोगों की एक अवधारणा गलत रहती है हम उस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालने के उसमें है कि कुछ जो अच्छा काम कैदी करना ठीक है बाहर जो उन्होंने किया किया पर अब वो कैसे अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं वो अंदर रह के भी अपना काम सीख रहे हैं वेजेस के अपने पैसे बचा रहे हैं अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हैं उनको पैसा भेज के तो यही सोच है कि वो बाहर जाके जब उनके पास एक स्किल होगा वो बाहर जाके कोई भी काम कर सकते हैं मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं इसी के ऊपर प्रयास रहता है कितना बदलाव देखते हैं जब वो पहले आए थे और अब जो काम करते हैं उनमें चेंजेस तो है ही है वो एक एक जो उनके अंदर एक मायूसी होती है कि हम जेल में आ गए पर वो जब काम करते हैं बोलते हैं चलते हैं सारा दिन बिजी रहते हैं तो वो एक वो जो एक डिप्रेशन वाले माहौल है उससे बाहर आते हैं तो कहते हैं ना बिजी कन्वर्ट इज अ इजी कन्वर्ट तो
वो दो चार टेबल आगे रखो, ये गोल वाला है, डबल वाला। एक मिनट, सभी को भाई कर दो।